साल 2023 और 24 के लिए मरकजी सीरत कमेटी और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से सीरतुलनबी क्विज कॉम्पिटिशन मुकाबले जात के डेट की तवारीफ का ऐलान कर मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊब साहब के हाथों अप्लीकेशन फॉर्म और इंस्ट्रक्शन बाद नमाज जुमा मस्जिद सालेहीन में रिलीज किया गया है। इस दौरान मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊब साहब ने डॉक्टर असगर चुलबुल की तारीफ कर कहा, पिछले 4 साल से डॉक्टर असगर चुलबुल सीरतुलनबी मुकाबले जात ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, जिससे आने वाले जनरेशन में दीनी मालूमात हो रही है। मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊब साहब ने कहा, मुकाबले जात के लिए डॉक्टर असगर चुलबुल ने 5 सब्जेक्ट तैयार कर सब्जेक्ट वाइज बुक रिलीज किए हैं, जो बहुत बड़ा कारनामा है। इन मुकाबले जात में हिस्सा लेने वाले तुलबा और तालिबा डॉक्टर असगर चुलबुल की इन किताबों के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मदनी कॉलेज ऑफ फार्मेसी आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल जलील कंपाउंड पायन दरगाह रोड पर सीरतुलनबी मुकाबले जात मुनक्किद किए जाएंगे। याद रहे, फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। डॉक्टर असगर चुलबुल के जरिए गुलबर्गा शहर के तमाम स्कूल और कॉलेजेस में एप्लीकेशन फॉर्म भेजे जाएंगे। फॉर्म में दिए गए एड्रेस पर आप बुक्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डॉक्टर असगर चुलबुल से राब्ता करें। सीरतुलनबी मुकाबले जात में हुस्ने खिरात, नात, हिफ्ज़े हदीस, सीरत क्विज, कुरान क्विज, स्पीच और ऐसे कॉम्पिटिशन रखा गया है। इस मौके पर डॉक्टर असगर चुलबुल चेयरमैन सीरतुलनबी मुकाबले जात हाफिज राखिब पाशा, अजीमुद्दीन शिरनी फरोश कॉरपोरेटर, इंजीनियर मुश्ताक अहमद, इंजीनियर मोहम्मद महमूद, बाबर अली रिटायर्ड रेलवे डिपार्टमेंट सैयद अहमद, मिर्जा अफजल बेग, ख्वाजा पटेल और दीगर कई लोग मौजूद थे। और दस दिसंबर होगी। और इसमें तमाम हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और तीन मदरस के तलबा और तालिबात शिरकत के अहम रहेंगे। गैर तरसीम उम्मीदवार जो तालीम कल कर चुके हैं उनको बकायदे होगा 15 से 25 साल मुकाबला जात में शिरकत की इजाज़त होगी। एक मुकाबले में शिरकत करने वाले दूसरे मुकाबलों में भी हिस्सा ले सकते हैं। तलबा तालिबान कमजोर शिष्यों, कश्तों, हफ्तों के माबाइन ये इनामत हैं तलबा और तालिबात के दिलचस्पी और मुनाफा पैदा करने के लिए और उनको सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ करवाने के लिए है, क्योंकि इसी जिंदगी के कामयाबी का दारोमदार है। तो हम ख्वाहिश करेंगे कि जितने भी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हैं ज़रूर इन मुकाबलात में हिस्सा लें, इसके लिए तैयारी करें, अपने मालूमात में इजाफा करें और कामयाबी हासिल करें। और अगर किसी को कामयाबी नहीं भी मिलती है, इनाम नहीं भी मिलता है, तब भी हम समझते हैं कि जो कि नबी के पास से मुकाबला अलैहि वसल्लम से तादुक करने वाला ये मुकाबला है, इनामी मुकाबला है। तो इसमें नबी के पास से मुकाबला अलैहि वसल्लम की तरफ से यकीन हिस्सा लेने वालों पर खसूसी तवज्जो होगी और फैलान जारी होगा। अस्सलामु अलैकुम।